मार खींचा। फिर अपनों ने टच किया तो 3500 रुपए का अपने को फाइन भरना पड़ेगा। मैं इधर बैठ रहा हूँ, आपको हाथ नहीं लगा रहा। बहुत सारे लोग आपसे पूछते हैं कि हाँ भैया क्रीम वीम वैसे वैसे, तो 3000 रुपये तोले का रेट चल रहा है। आपके एकदम स्टार्टिंग में ऐसा जो मैरुआना है अपने को जगह जगह लगा हुआ दिख जाए, सिर्फ अपर कास्ट वाले ही मंदिर में जा सकते हैं। हाँ जी, आई एम पवनदीप मान, नई वीडियो और नए सफ़र में आपका स्वागत है। तो अभी मैं हूँ यहाँ पे मलाना विलेज के पास में। ये मलाना विलेज का गेट है और अपने एंटर कर रहे हैं मलाना विलेज के अंदर। जो मलाना गांव है ये काफ़ी एक यूनिक सा गांव है और ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले की पार्वती वैली में। तो हम यहाँ पे कैसे पहुँचे ये आप अपने लास्ट वीडियो में देख सकते हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने वाइचिन वैली को कवर किया था और अभी वाइचिन वैली से जस्ट सीधा हम यहाँ पे आ रहे हैं। और वैसे बता देता हूँ भी अपने को कसोल से डायरेक्ट टैक्सी मिल जाती है यहाँ के लिए, या फिर अपने जरी नाम की एक जगह पड़ती है वहाँ पे आ सकते हैं, वहाँ से अपने को टैक्सी मिल जाती है। टैक्सी के चार्जेस यही रहते हैं 1050 के आसपास ऑल्टो के, और जो बड़ी गाड़ी है 8 सीटर उसके पड़ते हैं 1450 के आसपास। गाँव में जाने के लिए अपने को हाइक करनी पड़ेगी, पहले उस मेन रोड से अपने को डाउन हिल हाइक करनी पड़ती है लगभग 10 मिनट के लिए, फिर अपने इस मलाना नाड़ा के पास पहुँचते हैं, यहाँ पर ब्रिज बना हुआ है, और उसके बाद अपने को लगभग 30 मिनट की अप हिल जो हाइक है वो करनी पड़ेगी। अभी तक मलाना में कोई भी रोड है वो पहुंची नहीं है, हालांकि एक रोड का काम चल रहा है, वो वाइचिन डैम है जो पीछे यहाँ से थोड़ा सा 3 किलोमीटर आगे, वहाँ से एक रोड बन तो रही है, पर 7 साल हो गए वो 3.5 किलोमीटर की रोड है वही कवर नहीं हो रही, बनी नहीं रही। तो यहाँ के लोग बोलते हैं भी देवता नहीं चाहते भी रोड बने, यहाँ के लोग थोड़ा सा आइसोलेटेड रहना पसंद करते हैं और चाहते हैं भी रोड ना आए। अगर कोई टैक्सी वगैरह से नहीं आना चाहता तो ट्रैक करके भी आ सकता है। कसोल से इसका ट्रैक स्टार्ट होता है, पहले अपने को रसोल आना पड़ेगा, फिर रसोल से मलाना आना पड़ता है। ये पहाड़ है इधर, इनके पीछे कहीं रसोल है और उधर से इसकी हाइकिंग होती है। तो जैसे माउंटेन वाले बंदे हैं वो तो एक दिन में कसोल से मलाना कवर कर लेते हैं, पर नीचे वाले बंदों को थोड़ा टाइम लगता है, तो रसोल में एक नाइट का स्टे कर सकते हैं। नमस्ते, लकड़ी इकट्ठा करने जा रहे हैं मलाना से, इधर जंगलों में जाएंगे अभी गांव की तरफ। अपने जैसे हाइकिंग वगैरह करते हैं तो बीच में कैफे वगैरह भी आते हैं अगर रेस्ट वगैरह करनी हो तो। गांव में तो कैफे वगैरह नहीं मिलते है ना भाई, गांव में तो नहीं होंगे ना? गांव के अंदर नहीं है, गांव से बाहर मिलेगा आप लोगों को। गांव के बाहर जैसे ट्रेल में और इधर ही है, गांव के अंदर तो अलाउड नहीं है जैसे कोई कैफे खोलना आउटसाइडर को और ये सारा, पर बीच में बढ़िया रेस्ट के लिए बना हुआ है सारा कुछ, खाने पीने का और ये सारा। गाँव में पहुंचने वाले ही हैं, बस 5 मिनट का रास्ता रह गया गांव से जस्ट पहले। यहाँ पे एक वाटरफॉल आता है अच्छा सा सुंदर सा, और उसके साथ ही हमें एक ऐसा कचरा और ये सारा कुछ मिलता है। तो ये प्रशासन की भी गलती है और ये गांव वालों की भी मैं गलती मानता हूँ कि यहाँ पे इतना कचरा, मतलब गांव में एंट्री के वक्त ही अपने को ये एक बैड चीज़ देखने को मिलती है। गाँव में यहाँ पे एंटर होते ही बहुत सारा जैसे मैरुआना लगा हुआ देख सकते हैं अपने, ये जैसे लगा हुआ है, पर ये इतना प्योर नहीं होता, जो माउंटेन वगैरह ऊपर होता है ना वो ज़्यादा प्योर होता है। पर माउंटेन्स वगैरह में भी ये उगाते हैं, जो यहाँ का मेन इनकम सोर्स है वो यही है। तो इसको कोडवर्ड इसका मैजिक है, तो आपको कहीं मैजिक ब्राउनी है मैजिक बॉल और ऐसा कुछ देखने को मिले तो समझ आना ये उससे रिलेटेड है मैरुआना से। गांव के अंदर एंटर होते ही हमें सबसे पहले जमदाग्नि ऋषि जी का और रेणुका देवी जी का टेंपल देखने को मिलता है। ये यहाँ के लोकल देवता हैं जैसे जमदाग्नि ऋषि जी, और इस पे अपने टच नहीं कर सकते, सिर्फ गांव वाले ही टच कर सकते हैं। अगर अपनों ने टच किया तो 3500 रुपये का अपने को फ़ाइन भरना पड़ेगा। तो ये गाँव वाले काफ़ी जैसे पवित्र जगह मानते हैं, और ये जो काठ कुनी आर्किटेक्चर में बना हुआ है, जैसे काठ का मतलब होता है लकड़ी और कुनी का मतलब होता है जैसे कॉर्नर, तो जैसे लकड़ी स्टोन ऐसे करके बना हुआ है। और ये यहाँ का हिमालय का सबसे मतलब एंशियंट आर्किटेक्चर स्टाइल है, इसी में लोग घर बनाते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा अर्थक्वेक प्रूफ होता है ये, मतलब अर्थक्वेक आने पे भी इतना ज़्यादा मतलब खतरा नहीं होता यहाँ पे। और यहाँ पे डियर हेड लगे हुए हैं जैसे देख सकते हैं अपने, और चूड़ियाँ लगी हुई हैं, और काफ़ी ज़बरदस्त ये चीज़ लग रही है। मैं लास्ट ईयर यहाँ पे आया था तो काफ़ी गांव वालों से बात करी थी और वीडियो वगैरह बनाई थी, गांव वाले काफ़ी फ्रेंडली थे, पर इस बार मेरे को गांव में घुसते ही मतलब कई बंदों ने पहचान लिया और वो मना करने लग गए भी आप वीडियो मत बनाना, क्योंकि पिछली बार वाली वीडियो कुछ काफ़ी ज़्यादा ही चल गई थी और उसमें मैंने काफ़ी कुछ बताया था, रियलिटी शो की थी हालांकि मैंने, तो
बट स्टिल यहाँ के लोगों को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, जैसे अनटचेबिलिटी है यहाँ पे, सिर्फ अपर कास्ट वाले ही मंदिर में जा सकते हैं और लोअर कास्ट वाले टच नहीं कर सकते किसी को। कैसा होता है भाई यार, तो लोअर कास्ट के नहीं कर सकते ना। चलो बढ़िया, झूठ के मामले में ना भाई, लोअर कास्ट के बंदे नहीं कर सकते। ये गाँव जो पहले आइसोलेटेड होता था पूरा, आज से कुछ 15-20 साल पहले, पर बाद में यहाँ पे मलाना डैम बना है जो उसकी वजह से फूटा। तो यहाँ पे मलाना डैम की वजह से यहाँ पे रोड बनी और फिर ये थोड़ा सा है जो रोड से कनेक्टेड हुआ, लोग यहाँ पे आने लगे। उससे पहले तो गिने चुने लोग ही यहाँ पे आते होते थे। जरी नाम की जगह है जहाँ से हम कल आए थे, वहाँ से लोग पैदल आते होते थे, वो भी मतलब सीधा ही नहीं कोई आ सकता होता था। उसमें भी अगर कोई नीचे का बंदा अपने को साथ में आना होता था जरी और वहाँ का, और उसकी कोई पहचान होती मलाना में, तभी वो यहाँ पे आ सकते थे। थोड़ा आगे की तरफ आए हैं तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जैसे बोर्ड वगैरह भी लगे हुए हैं भी, डू नॉट टच, फाइन जो है वो 5,000 रुपये के आसपास का होगा। नमस्ते, थैंक यू। नहीं जी, ये गांव का जो सबसे मेन एरिया है वो है मेरे पीछे, और ये मेरे पीछे यहाँ की पार्लियामेंट है, कनिष्ठांग और ज्येष्ठांग। यहाँ पे जो मसलों के हल है वो यहीं पे किए जाते हैं, जैसे तभी इसको वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी भी बोलते हैं इस गांव को। ये लोग है जो पीछे ग्रुप है, ये उधर की साइड जा रहा था तो ये सारे गाँव वाले मना करने लग गए भी, जो जो से शोर मचा के बोलते हैं भी उधर नहीं जाना उधर नहीं जाना, क्योंकि वहाँ पर अलाउड नहीं है, फिर फाइन वगैरह लगता है। तो ये यहाँ के देवता ने बोला हुआ है भी, ये पवित्रता का मामला है भी, ये सोचते हैं भी आउटसाइडर आएंगे तो हम इतने पवित्र नहीं रहेंगे, तो ये सारे रूल्स को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं लोग, तो यहाँ पे ये अलाउड नहीं है जैसे जा रहे हैं। तो ये यहाँ पे जो ग्रुप आ रहा है उनमें से एक लड़की यहाँ पे बैठ गई थी यहाँ पे पार्लियामेंट में, और अभी सारे गांव वालों ने उन्हें रोक लिया है। वो बोल रहे हैं भी 5,000 का फाइन देना पड़ेगा तभी हम जाने देंगे, वरना जाने नहीं देंगे। तो उनको माफ़ कर दिया वैसे इन्होंने। तो अभी हम जैसे फूमी है, ये फ़ोटो खींचने के लिए थोड़ा सा आगे जा रहा था, तो भी वो बोल रहे हैं भी आगे नहीं आना आगे नहीं आना, तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना होगा। पूरे गांव में जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं भी, फाइन होगा, यहाँ पे टच नहीं करना, यहाँ पे टच नहीं करना, पर ये जो है गांव का सेंट्रल पार्ट है और यहाँ पे रूल सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। यहाँ पे तो अपने बिल्कुल भी हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि ये पवित्रता का मामला है। बाकी कई कई जगहों पे जैसे थोड़ा डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है। यहाँ पे कई लोग ज़्यादा मतलब इस चीज़ को लेके हैं भी, आप हमारे पास भी नहीं आ सकते और दूर से ही वो ऐसे कर देते हैं, और कई लोग मतलब थोड़े से अच्छे हैं। लोकल मलाना के यहाँ पर आपको टच कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। ये मलाना के लोग है भाई, मैं टच कर रहा हूँ। इस गांव के लोग वैसे ज़्यादा जो पढ़े लिखे नहीं है, पीछे वाली पीढ़ी तो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है। यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है कनाशी है, वो किसी को समझ भी नहीं आती, तो यहाँ के कुछ गांव ही वो लैंग्वेज समझ सकते हैं। और यहाँ की जो अब वाली पीढ़ी है वो तो फिर भी थोड़ा पढ़ने लिखने लग गई है, क्योंकि यहाँ पे स्कूल ओपन हो चुका है, क्योंकि पहले तो ये जगह पूरी एक आइसोलेटेड सी जगह थी ना, तो अभी तो थोड़ा डेवलपमेंट यहाँ पे हो रही है, पर यहाँ के लोग हैं जो वो इतनी डेवलपमेंट चाहते भी नहीं है। वैसे घूमने के लिए इजरायली वगैरह भी बहुत ज़्यादा आती हैं, जैसे ये मेरे पीछे इजरायली हैं, पर यहाँ पे इनके आने का जो मकसद है वो थोड़ा सा अलग होता है। ये ऐसे मतलब घूमने वगैरह या यूनिक कल्चर ट्रेडिशन कुछ ऐसी चीज़ें देखने के लिए नहीं आते, ये आते हैं मतलब क्रीम वगैरह के लिए और ऐसी चीज़ों के लिए, क्योंकि मलाना फेमस है इन सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी का जो मतलब उगाया जाता है सामान, क्योंकि यहाँ पे स्लोप एकदम परफेक्ट है, वेदर एकदम परफेक्ट है, जो अपने कह सकते हैं सनलाइट कह सकते हैं, रेन कह सकते हैं, वो सारा कुछ एकदम परफेक्ट है। तो यहाँ का जो मतलब मैजिक ट्री या अपने बोल सकते हैं मैरिजुआना होता है, उसमें THC एक कंटेंट इंग्रेडिएंट होता है जिससे मतलब साइकोट्रॉफिक इफेक्ट आता है, जो सारा कुछ आता है ना वो सारा। तो जो इंडिया का एवरेज है उसमें 7-8% होता है, लेकिन यहाँ का जो है उसमें 30-40% होता है। तो ये इंडिया का सबसे बेस्ट लोकेशन अपने कह सकते हैं। तो यहाँ पे कहीं पहाड़ों में ये सारा मतलब लोगों ने उगाया होता है, और ये सारा बाद में सितंबर अक्टूबर नवंबर इनका पीक सीज़न होता है, उसमें सारा निकाल के रख लेते हैं ये, फिर पूरे साल उसको सेल करते हैं। अभी हम गांव में आए थे तो बहुत सारे लोग आपसे पूछते हैं कि हाँ भैया क्रीम वैसे, तो 3,000 रुपये तोले का रेट चल रहा है। हालांकि ये सारा कुछ इल्लीगल है, पर अभी ये एकदम रिमोट लोकेशन है तो पुलिस का प्रशासन का यहाँ पे आना भी बड़ा मुश्किल है।
तो अभी वापस नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो भाई मिले हैं, ये भी एक 100 डेज की ट्रैवलिंग कर रहे हैं। तो भाई अपने चैनल का क्या नाम है? वैसे राम पवार व्लॉग्स। यस, तो इनको चेक कर। हेलो यूट्यूबर। या आई एम यूट्यूबर। व्हाट अबाउट यू? या सेम। वेयर यू फ्रॉम? कोरिया। कोरिया? कोरिया। नी हाउ? जस्ट चाइनीज। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। इस चाइनीज। व्हाट अबाउट कोरियन? अन्योंगासेओ। इज सो हार्ड। इज इट योर फर्स्ट टाइम इन मलाना? नो, दिस इज माय सेकंड टाइम। ओ या, नाइस नाइस। थैंक यू, सी यू ब्रो। ओके, सी यू सी यू सी यू। आज से कुछ 30-40 साल पहले तक यहाँ के लोगों को मलाना क्रीम के बारे में पता ही नहीं था भी क्रीम कैसे निकलती है, क्या कुछ होता है, क्या सिस्टम है। वो सिर्फ जैसे मैरिजुआना के पौधे से फाइबर निकालते थे और फाइबर से जैसे यहाँ के कपड़ा वगैरह और ये सब चीज़ें बनाते होते थे। जैसे अब उनको हैम्प का प्रोडक्ट बोलते हैं, जैसे हैम्प प्रोडक्ट होते हैं ना, वो बनाते होते थे। लेकिन कुछ फॉरेनर यहाँ पे आए, उन्होंने देखा भी इतना सारा मैरिजुआना है, इतनी बढ़िया क्वालिटी का है, तो उन्होंने क्रीम बनानी स्टार्ट कर दी और इनको भी सिखा दिया भी ऐसे ऐसे करके बनाई जाती है। तो तब से यहाँ के लोग हैं जो इस बिज़नेस में आ गए और आज यहाँ मलाना का जो टर्नओवर है वो करोड़ों का है, बहुत ज़्यादा। हालांकि इलीगल है बट स्टिल यहाँ पे बिकता है और इसका अब पुलिस के पास भी कोई इलाज नहीं है। पर चलो, अब ये इनके कल्चर का एक हिस्सा बन चुका है और गांव के लोग जैसे कमाई कर रहे हैं इससे और रोड वगैरह जैसे पहुंच रही है यहाँ पे। पर यहाँ के लोग नहीं चाहते कि रोड पहुँचे क्योंकि फिर पुलिस यहाँ पर आसानी से पहुँच सकेगी। और यहाँ की जो क्रीम है वो एकदम बेस्ट क्रीम होती है, मतलब कि जो प्रोडक्ट निकलता है मैरिजुआना से वो एकदम बेस्ट होता है। जैसे 1994 और 1996 में इसने मतलब बेस्ट हैशिश ऑफ द वर्ल्ड का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया था, मतलब कि इतनी बेस्ट है यहाँ की हैश। आपको टच नहीं कर सकते जैसे हम? हाँ। नहीं करना? हाँ। तो अभी आप इधर बैठे थे तो मैं इधर बैठा, आप उधर जाके बैठ गए, टच नहीं करना इसलिए। हाँ। तो आपको कौन कौन टच कर सकता है? इस गाँव वाले कर सकते हैं या आस पास के गाँव वाले कर सकते हैं? आस पास के गाँव वाले कर सकते हैं। तो जैसे आपने, मैं इधर बैठ रहा हूँ, आपको हाथ नहीं लगा रहा, तो जैसे इधर गांव में जैसे आपने शादी वगैरह करनी है तो वो गांव में ही होती है या कोई और गांव में भी कर सकते हैं? सकते हैं और भी। कौन कौन से? रसोल में कर सकते हैं? हाँ। ग्रैंड में कर सकते हैं? नहीं, ग्रैंड तो। ग्रैंड नहीं कर सकते? इसे इधर करना है। कैसे? चौकी। वो क्या होता है? चौकी नीचे। अच्छा। हाँ। सिर्फ इधर कर सकते हैं? हाँ। नीचे नहीं कर सकते? हाँ। तो यही होगा है। हाँ। अपने गांव इधर दोनों साइड ऐसे पहनी हुई है ना, ये नथनी बोलते हैं इसको। हाँ। ये सुंदर लग रहा है आपका। चलो बढ़िया लगा आपसे बात करके, धन्यवाद। नमस्ते। अभी मलाना घूम के आया मैं। हाँ। अच्छा है माल खीदा? कैसे माल खीदा? नहीं है? नहीं। वापिस ऊपर मैं पहुंच चुका हूं, लगभग 30 मिनट के आसपास लगे। ऊपर जाने में जितना टाइम लगता है उतना ही नीचे आने में लगता है। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बारिश वापस स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे कैफे है, यहाँ पे हमने बैग वगैरह रखा था अपने यूएसए वाले भाई का, 50 रुपए लगे थे। तो किसी के पास लगेज हो तो यहाँ पे रख सकते हैं अपने। मलाना गेट पहुंचने के बाद हमने कुछ देर वहां पे वेट किया भी कोई और पैसेंजर हमें मिल जाए और फिर हम मिलके कोई टैक्सी कर लें। तो हमने ये बड़ी वाली टैक्सी की है, ये 7 बंदे, हमें 4 बंदे और मिल गए पंजाब से। पर अनफॉर्चुनेटली अभी थोड़ा टायर पंचर हो चुका है क्योंकि रोड्स बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। अभी थोड़ी देर दूर ही निकले थे, ये हमारे पीछे मलाना है, ये पंजाब से हैं भाई और उनकी हेल्प कर रहे हैं। और ये कार हमें पड़ी है 1800 रुपये की कसोल के लिए। तो ये पर पर्सन यही कोई 260 के आसपास कसोल के लिए पड़ चुका है।